नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। नशलागंज बुधनीर रेल लाइन को लेकर निरीक्षण पर आए रेलवे सलाहकार समिति सदस्य भारत सरकार सोलंकी से चर्चा। रेलवे सलाहकार समिति ZRUCC मेंबर मुकेश सोलंकी एक दिवसीय दौरे पर इंदौर बुधनीर लाइन को लेकर अल्प प्रवास पर नशलागंज आए हैं। उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय कबीर भजन गायक कालूराम बावनिया, सिलाई कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुनील कुमार महेश्वरी, एडवोकेट व सामाजिक कार्यकर्ता शहाबुद्दीन मंसूरी व पल्लवी ठाकरे द्वारा नगर परिषद CMO GS राजपूत से रेलवे लाइन को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। CMO राजपूत ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। वही मुकेश सोलंकी सदस्य रेलवे सलाहकार बोर्ड भारत सरकार द्वारा ध्यान पूर्वक सुना और बिंदुवार नोट किया गया। साथ ही समस्याओं को और सुझाव को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वस्त किया। वहीं रेलवे लाइन का काम समय सीमा पर पूर्ण होने का आश्वासन भी दिया गया है। नरेंद्र परिहार समाजसेवी व गुरुधाम करछुआ ट्रस्ट सचिव सुनील महेश्वरी, समाज सेवी भाजपा नेता जितेंद्र राजपूत, मनोज जिनोदिया आदि की ओर से अभिवादन किया गया। वहीं मुकेश सोलंकी, सुनील महेश्वरी, बाबूलाल बामनिया द्वारा गुरु टेक चंद महाराज, सरस्वती मैया, भगवान गणेश एवं मेहरू गांव में विजासन मैया के दर्शन कर सबके मंगल की कामना की है। नशुलागंज से चांद मियां की रिपोर्ट। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।